हार्दिक एंड यू वॉचिंग लॉजिक लुकास। तो भाई आज का सीन बता देता हूँ क्या है। आज का सीन में गाड़ी में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि और अभी ये फॉर्मल फॉर्मल्स पहन के अच्छे से सज के ऐसे इसलिए बैठा हूँ बाल बाल बना के। क्यों? क्योंकि मेरे को और भावेश को जाना है आज इंटरव्यू देने। एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम। तो मैं सोचा यार व्लॉग बना लिया जाए अपनी एक लाइफ से रिलेटेड थोड़ा बनाना बनता है। और भाई अभी हो चुके 9:40 और हमें जाना है, 9:40 हो चुके हैं और 11 बजे जाना है इंटरव्यू देने। और भावेश अभी तक घर से नहीं निकला, तो जरा कॉल मिलाते हैं भावेश को, उससे पूछते हैं कि भाई क्या सीन है, कब आएगा, कब निकलेगा। तो यार मेरे को जाना है पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाने और फिर भावेश को उठाने। तो अभी देखते हैं, गाड़ी साफ भी निकली आज, मैंने ऐसी ले आ रहा हूँ। ये साला कॉल ही नहीं उठा रहा यार, हद है। हेलो, अबे कहाँ है? हाँ निकल गया। कब आएगा भाई तू? हैं? कब आएगा? अबे आज तू कहाँ है? कहाँ नीचे तो नहीं बैठा हुआ मेट्रो स्टेशन में? भाई सेक्टर 15 पहुंच गया मैं। पहुंच भी गया? हाँ। अच्छा चल ना। भाई तूने कहा था 15 मिनट, तू अभी कहाँ पे है? अबे हाँ 15-20 मिनट लगेंगे। चल साले, घर से नहीं निकला ना तू? क्या घर से नहीं निकला ना? नहीं, मैं निकल भाई मैंने पेट्रोल भरवा दिया, सुबह उठ गया, मैं मंदिर चला गया, पूजा कर ली, टीका लगा लिया, वहां मैं पहुंच गया सेक्टर 15। मैंने भाई रिज्यूमे रखा, और क्या रखा है, बस मैं भी वही रख रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ भाई। ठीक है, नाश्ता नहीं कर रहा फिर मैं, नाश्ता पर रास्ते में। भाई नाश्ता घर में आ गया तू? मैं कह रहा नाश्ता साथ में क्या आ रहा हूँ। ये देख हॉर्न बजा रहा हूँ, देख रहा है सेक्टर 15 पहुंच गया। चल ठीक है। तो भाई अभी सेक्टर पता नहीं, अभी तो मैं घर पे ही हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा पेट्रोल भरवाने, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, पेट्रोल भरवा के और हवा हवा उठा के टायर में फिर पहुँचेंगे 15। तो आधा घंटा लगेगा, और इसी मेरे को पता है आधा घंटा लगेगा। तो मैं सही टाइम पे हूँ, बिल्कुल टाइम पे, बिल्कुल हम चल रहे हैं। तो वहाँ जाऊँगा, इंटरव्यू दूंगा, फिर तुम्हें बताऊँगा कि कैसा गया, भावे से मिलवाता हूँ जरा। तो अभी चलते हैं बिना कुछ सिनेमैटिक्स विनेमैटिक्स बनाए हुए। तो गाइस अभी अभी पता है एक अभी भावेश आ चुका है। ये रहा भावेश, भावेश शक्ल दिखा दे एक बार। तो यार सीन पता है क्या हुआ, अभी अभी ना मैंने बीच रोड में खड़ी कर रखी है, तो पीछे से ना ई रिक्शा, मैं इसका कॉल आ रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं आगे पीछे कर रहा था। गाड़ी ई रिक्शा वाला बड़ी तेज आया, वो मुझे गाली दे रहा था, कह रहा सारे ढंग से लगा ले, ये वो फोन पे वो कर रहा है, मैं बस गाड़ी लगा रहा था। भाई ई रिक्शे वाले को आगे रुक के मैंने क्या गाली सुनाई है एक नंबर की, वो आपसे फालतू नहीं बोलेगा किसी, जिसमें मैं बैठा गलत बंदे से मंगा ले लिया उसने। चलो भाई चल रहे, इसमें पता नहीं फॉक्स बन रहा है क्या बन रहा है अजीब सा। तो चलते हैं सीधे अब इंटरव्यू देने। A few moments later. एक चीज बताना चाहता हूँ, हम दोनों इंटरव्यू देके आ गए यार, पता है हमारा इंटरव्यू कहाँ हुआ? टेरेस। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, छत में दिया हमने इंटरव्यू, ऐसी जगह में इंटरव्यू देने गए ना, हमें निकलना कहाँ से? इतना बढ़िया इंटरव्यू था। भाई क्या इंटरव्यू था, और छत में देने गए थे हम इंटरव्यू। सो गाइस अभी हम नंदी को बिठाएंगे। तो यार एक बात बता दूं, भाई इतनी तगड़ा इंटरव्यू आज तक जिंदगी में नहीं दिया मेरे, इसका तो फर्स्ट टाइम था, इसने पहला इंटरव्यू, मैं दूसरी बार दे रहा हूँ। क्या सीन हुआ, हम गए पहले सीढ़ियों से ऊपर, सारा गोडाउन था, बुड्ढे से अंकल खड़े थे सामने, बुड्ढे से नहीं ओनर था वो, सॉरी। बेस्ट इंटरव्यू जो डोमिनेंस बनाती है नंदनी उससे मिलेंगे, कॉलेज की है यार हमारी दोस्त से मिलना पड़ता है ना। नंदनी विदाउट एक्सपीरियंस ऑडिटिंग कर रही है, और विदाउट एक्सपीरियंस पता नहीं बाथरूम की ऑडिटिंग कर रही है, किसकी ऑडिटिंग कर रही है, फ्रॉड है, फ्रॉड है नंदनी, फ्रॉड है भाई, झूठ बोल रही है, मुझे कैसे मिल रहा है ऐसे, कैसे उसकी पूरी क्लास उसको छोड़ गई फिर भी यही बैठी हुई है। लेकिन नंदनी अभी भी कैब में जाती है हर रोज 9 बजे, कॉलेज की फील ले रही है वो, कॉलेज पास नहीं हो 10 साल तक लग रहा है एमटी में, लग रहा है वो जॉब भी कर रही होगी, एमटी घुमा के ले आना जरा, कहा है नीचे आजा, कहा ले खड़े सब्बे के नीचे, सबको सब्बे जल्दी आ, जुबिलेंट डोमिनोज डंकिन के बाहर खड़े हैं, डोमिनोज के नीचे आ गए, डोमिनोज की बड़ी आगे है यार, तू जल्दी आ, छोड़ के आ जा, ऐसे कुछ फर्क नहीं, कुछ आना यार, ये रहे हम डंकिन के बाहर, डंकिन के नीचे है यार, लेकिन यार एक बोरी उठाने वाला चाहिए इनको नवीन। हाँ उसमें वो लगा दो बोर्ड। एक बोलता था लाइन चैकर। लाइन चैकर हिंदी में लगा हुआ था, लाइन चैकर चाहिए, लाइन चैकर, तो नवीन पोस्ट ओपन है। और नंदनी का हम वेट कर रहे हैं कि नंदनी कहाँ है, पर नंदनी आई नहीं रही अभी तक। सो गाइस आप देख सकते हैं ये फूड ऑडिटर आ रही है।
फूड ऑडिटर ये भागते हुए फ्रॉड फूड ऑडिटर ये देखो ये देखो अरे कहाँ जा रही है गाइस जस्ट लुक एट दिस नंदनी ओवर एक्टिंग कर रही है यहाँ पे मुझे एक्चुअली देख के तो मैं अच्छा लगा ओके okay. और नंदनी कैसी है कुछ? तेरी ऑडिटिंग चल रही है बहुत ही बेहतरीन तुमने एमेचर्स मुंह मत खुला कर बंद करे बताता हूँ इंटरव्यू देखे आए हैं कहाँ गेस कर छत पे और कंपनी का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि व्लॉग चल रहा है हाँ. बट हमने दिया छत पे इंटरव्यू और सुन पता है वहाँ पे क्या लगी हुई थी छाता ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुन पता क्या बीच वाइब्स पूरी जैसे वो नहीं होती जैसे ट्रैफिक पुलिस के वाला छाता लगी होती है हाय राम ऐसे वाली ये लगी सामने जैसे रिसेप्शन वाला बंदा था हंस रहा दांत मार रही पता नहीं क्या क्या कर रहा है मैं यहाँ से काला लग रहा हूँ यार तू क्या कर रहा है कुछ किया नहीं अभी भाई दिख रहा है मुझे वो फोन पे बात करता पता नहीं क्या क्या कर रहा था ऐसे नहीं ऐसे और कहता सर मेरे पास क्यों रहे हो ये उसको कहता आपके ले रहे हैं उसके मुंह पे बोल दिया इन लोगों को बहुत मिस किया बहुत ज्यादा शॉर्ट्स ले शॉर्ट्स ले वहाँ पे हमने नवीन का नाम लिखवाया है किसी को बोरी उठाने वाला चाहिए था बोरी उठाने वाला चाहिए था और वो चाहिए था लाइन चेकर अब हम लोग मॉल ऑफ इंडिया जा रहे हैं क्योंकि भावेश हम लोग को ट्रीट दे रहा है किस बात के लिए भावेश का बर्थडे आने वाला है ओ भावेश का अगले महीने अच्छा अभी एक महीना बच रहा है भावेश का पूरा करेक्ट है अगले महीने चार को अच्छा अगले महीने भावेश का बर्थडे है तो वो हम लोगों को ट्रीट देने वाला है इसलिए मिलेगा तो नहीं है हाँ अगले महीने क्या कल से नहीं मिलेगा सारा बेकार अगर हो गए तो चल लेंगे और ये अब हम मॉल ऑफ इंडिया पहुँच गए हैं देखो देखो भाइयों देखो इसे देखो डिग्गी चेक करेंगे हाँ. में बॉम्ब ये तो मेरे को वो लग रहा था क्या सो गया अभी हम पार्किंग करेंगे उसके बाद हम ऊपर खाने के लिए जाएंगे और भावेश हमें ट्रीट देने वाले अपने बर्थडे की और भावेश हमें कहाँ ट्रीट देगा कार्ल जूनियर बिग चिल या पिज्जा एक्सप्रेस वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त भावेश के बजट पे भी मैटर करता है क्योंकि आई डोंट थिंक सो बेचारा थोड़ा तंगी में जी रहा है शायद से ऐसा सीन है कि अभी आ चुके हैं हम कार्ल जूनियर में खाने के लिए ठूसने के लिए क्योंकि हमें बहुत दिनों बाद ये नंदनी मिली थी सबकी स्नैप बना रही है सो यू कैन फॉलो हर नंदनी को कोई फॉलो करना चाहता है तो फॉलो कर सकते हैं सिंगल भी है तू वो कर दे रहा हूं पर और भावेश कपूर भावेश डू वांट टू से समथिंग अरे भावेश से बोला भावेश मेरे लिए फैंटा लाई भावेश कैसी लाया देखो इतनी कम इसमें भी कंजूसी कर रहा है अनलिमिटेड है ब्रो यार अभी तो अभी क्या करते हैं कार्ल जूनियर में ठूसते हैं थोड़ा और उसके बाद चलते हैं तो अभी आ चुका है हमारे सामने खाना तो अभी तब तक तुम सिनेमैटिक्स एंजॉय करो यार इसके सिनेमैटिक्स देखो थोड़ा बहुत खाने के सिनेमैटिक ताकि मुंह से लोगों के पानी आ जाए ये देखो इसकी फूड व्लॉगिंग चालू हो गई मजा आ गया भाई मजा कार्ल जूनियर में इसलिए मजा आता है क्योंकि हर चीज़ अनलिमिटेड है मतलब हर चीज़ क्या कोल्ड ड्रिंक अनलिमिटेड है तो उसके लिए आते हैं भावेश और मैं और लोग मेरे को ऐसे दिख रहे हैं कुछ कर रहा हूँ बट मैं कुछ तो करने का कोई दिक्कत तो है नहीं भाई जो भी कार्ल जूनियर है सबसे सस्ता है तो बहुत बेटर है तंदूरी आलू 59 का है भाई और क्या चाहिए भाई अभी हमने खावा लिया है और अभी हम चल रहे हैं वापस पार्किंग में अपनी गाड़ी ढूंढते हैं और उसके बाद निकलते हैं बैठ गए और हमने क्या लिया पाँच नंदनी दिखाई एक बार भाई साहब बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं एक नंबर सो गाइस ये है मिनी बॉन्स सिने बन के बिनी बिनी यार मिनी बॉन्स आ हाँ आप देख सकते हो कितने प्यारे से लग रहे हैं भावेश तो इसमें पूरा डूब चुका है जन्नत वाली फीलिंग है भाई बहुत ही भाई कैसा होता है बताओ कैसा होता है बहुत अच्छा है खाया नहीं वो तो उसके बाद क्या हुआ यार उसके बाद मैं घर आ गया बस वहाँ का व्लॉग का दी एंड हो गया सो यार ऐसे रॉ व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताना सो यार लाइक दैट्स प्रीटी मच इट आई होप यू गाइस लाइक इट इफ यू डिड मेक श्योर टू डू अ बिग थम्स अप ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट टिल देन स्टे ऑसम कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब लॉजिकल बकवास एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो पीस आउट